राज्य के डोरंडा एजी मोड़ स्थित 250 से ज्यादा दुकानों को हटाने के आदेश के बाद दुकानदारों में आक्रोश है। दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके विरोध में इन्होंने दुकानें बंद रखी है। डोरंडा एजी मोड़ की तमाम दुकानें आज बंद हैं। पिछले कई दिनों से डोरंडा थाना प्रभारी द्वारा इन्हें बगैर किसी नोटिस के कहा जा रहा है कि आप दुकानें यहाँ से हटा लें। उसके बाद से डोरंडा एजी मोड़ के तमाम दुकानदार गुस्से में है, दुकान को इन्होंने बंद रखा है। जाहिर सी बात है, रांची नगर निगम की कोई नोटिस इन्हें अब तक नहीं मिला है। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दाहिनी तरफ। यहाँ पर बरसों से फुटपाथी दुकानदार अपनी दुकान लगाते रहे हैं, इस महंगाई के ज़माने में दो पैसा ये कमाते रहे हैं। लेकिन जो आदेश आया है डोरंडा थाना के द्वारा, कहा यह गया कि दुकान आप यहां से हटा लें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई ऐसे दुकानदार हैं जो 10 साल 15 साल से यहां दुकानें लगा रहे हैं, आखिर ये जाएंगे कहां? क्या गुस्सा है और क्या आदेश मिला है आप लोगों को? थाना प्रभारी अपना मर्जी से तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं ऊपर से बड़े अधिकारी का दबाव है, या उनका जब वार्ता किए बड़े बाबू से तो बोलता है कि जज का ऑर्डर है जो मेकॉन गेट से इधर का क्लियर कर दीजिए। और इधर का जितने भी दुकानदार है, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से दुकानदार है, सबका निगम का तरफ से रजिस्ट्रेशन होया हुआ है, सर्वे होया हुआ है, आपका वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र मिला हुआ है, आईडी मिला हुआ है, उसी आईडी से सभी को सभी दुकानदार लोग लाइसेंस भी लिए हैं, लाइसेंस के कारण मतलब लोन लिए हुए हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपया का लोन लिया हुआ है, लोन लेकर दुकान है कि दुकान यदि सड़क पर लगा रहे हैं तो ये इनके शौक से नहीं, तमाम लोग चाहते होंगे कि किसी शॉपिंग मॉल में जगह मिल जाए तो दुकानें लगाएंगे, लेकिन मजबूरी है कि पैसा लाएंगे कहाँ से? सर हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं व्यवस्थित कर दीजिए और आप खाली करवा लीजिए। बिना व्यवस्थित किए हम लोग को डंडा चलाता है, गाली दिया जाता है, हमेशा आता है नगर निगम वाला, वो डंडा तो ऐसा नहीं है सर, कैसे करेंगे? उम्मीद की जानी चाहिए कि बीच का रास्ता निकले। यदि यहाँ से स्थानीय व्यक्तियों को समस्या है, इन दुकानदारों को कहीं व्यवस्थित करके इन्हें यहां से हटाया जा सकता है। अपना परिचय दे दिए पहले। मेरा नाम शंभू गुप्ता हुआ, हम यहां के डोरंडा के सामाजिक हैं, कार्यकर्ता हैं। क्या करेंगे शंभू जी इन लोगों के लिए? आप कदम से कदम मिला पर चलना पड़ेगा, ये लोग तो चूँकि बहुत पुराना से दुकान लगा रहे हैं, बहुत पुराना से दुकान लगा रहे हैं। अब ऐसा है कि एक बैग यहाँ पर बहुत सारे अफसर और ये सब का जो अभी घर उर का ये सब है, तो अब उसी में थोड़ा सा किनारे करके भी हल्का फुल्का रोजी रोटी चलने का लिए उतना तो कम से कम जगह दिया जाए, दुकानदारों के साथ एक बैठक करके बीच का रास्ता निकाला जाए। अचानक से दुकानों को बंद कर देना, तोड़ देना, कहीं से भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कर्मन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।